वी बैक जसमानक। हेलो मेरी फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो आज रनिंग करने जाने वाले हैं, सब लोग आ रहे हैं। फ़ोन लगाया था मैंने, रोहित को फ़ोन लगाया, भावेश को फ़ोन लगाया, भावेश रेडी होके आ रहा है। बस यही सीन है यार, सबसे पहले आपका भाई उठ जाता है, यहाँ पे वेट करता है। भाई लोग थोड़ा लेट से आते हैं, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, फ्रेश होने में थोड़ा टाइम लगता है उनको। कोई नहीं, यहाँ से अभी 5 मिनट में निकलेंगे। यहाँ से निकल के धीरे 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 पुलिया तक पहुँचेंगे। पुलिया तक पहुँचने के बाद में तो फिर वहाँ का सीन तो आपको दिखाना ही है, और चलते चलते भी थोड़ा सा व्लॉगिंग कर सकता हूँ मैं, क्योंकि हर रोज़ वही वाला सीन है यार। तो मैंने सोचा नया क्या दिखाऊँ, डायरेक्ट पुलिया भी जाके दिखाऊँगा इधर उधर जाके, ठीक है। तो यही तो अभी का फ़िलहाल यही है। निकल के आपको जब वो लोग जब आते हैं तो सब एक साथ में जाते वक्त आपको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है गाइस। तो वीडियो के साथ में बने रहना, बिल्कुल बने रहना, हिलना मत वीडियो के साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं। तो हेलो गाइस, अपडेट ये है कि मतलब यार ये लोग बहुत टाइम लगा रहे यार, और सुबह टाइम वेस्ट करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे कि सुबह अपन उठ गए जल्दी तो फटाफट आने का ना, अभी तक नहीं आए वो लोग। 15 मिनट हो गए, अभी फ़ोन कर रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा है। भावेश भी नहीं उठा रहा है, रोहित भी नहीं उठा रहा है। नावेद का फ़ोन आया था तो वो रेडियो के पास आ रहा है, उसका भी पता नहीं कितने टाइम में आएगा। लेकिन सुबह टाइम वेस्ट करना एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक कहावत है ना कि अगर कोई साथ में नहीं आए तो अकेले चलो। तो बस उस हिसाब से भी जा रहे हैं। हाँ, जाते जाते बीच में अगर बीच में व्लॉगिंग कर सकता हूँ, व्लॉगिंग करते करते आपको अपडेट देते रहूँगा मैं। अभी थोड़ा सा रनिंग कर रहा था, रनिंग करते करते सोचा आपको एक अपडेट दे दूँ कि वो लोग आए हैं कि नहीं आए हैं। वो लोग अभी तक नहीं आए हैं फ्रेंड्स। तो यही है, धीरे धीरे मैं अकेले चलते रहूँ, मतलब अकेले रनिंग करते रहूँगा। वो लोग जब आते तो आपको फिर कंटिन्यू करता हूँ, मतलब वो लोग आए तो फिर आपको अपडेट दे, नहीं आए तो वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये गाड़ी वाड़ी जा रही है, सुबह के जो लॉन्ग टूर की जो गाड़ियाँ हैं जाते हैं, आपको भाई रोड पे है ना, इसीलिए। तो स्टे ट्यून गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तो जैसे कि गाइस, मैं पेट्रोल पंप के सामने पहुंच गया हूँ, और वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी एक कोयल आवाज़ दे रही है। अभी बंद है लेकिन आवाज़ दे रहे हैं। हाँ, अभी आवाज़ आई, वो देखो फिर से। सुबह कोयल की आवाज़ सुनने का मज़ा अलग है। लेकिन एक यार उसके साथ मैं बैड न्यूज़ भी देना चाहता हूँ यार, पानी आ रहा है, क्या करें, चले जाए या फिर यहीं से घर चले जाए, एक्सरसाइज करने जाए या यहीं से घर चले जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद में फिर दिक्कत आ जाएंगे, फिर अभी मतलब बहुत ही दुविधा में फंस गया हूँ। अभी पेट्रोल पंप के सामने खड़ा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये एक ढाबा है, ये पेट्रोल पंप है, उधर सामने एक ढाबा है कनान ढाबा, जिसके बारे में आपको बताया था। ये कुछ लाइटिंग वाइटिंग कुछ इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग वाइटिंग सामने, वहाँ और एक होटल है, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो यार यही मामला है, पानी आ रहा है धीरे धीरे, क्या करें अब। ये पानी बहुत मूड ख़राब कर रहा है यार। चलो ठीक है। जैसे कि आपको बता रहा था कि मतलब पानी गिरना चालू हो गया, और धीरे धीरे रनिंग हो रही है, मतलब फास्ट हो रही है रनिंग, फास्ट आ रहा है। तो हल्का सा पानी हमारे इरादे नहीं हिला सकते, देख सकते हैं आप लोग, ये दोनों आ चुके हैं, ऋषिकेश और शादाब दोनों मिलके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलते एक बार। तो यही वाला सीन, अभी यहाँ से धीरे धीरे हम पुलिया तक जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे जम के। थोड़ा सा पानी आया, मतलब पानी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कम भी हो जाएगा। तो जो भी होगा आपको दिखा देंगे, है ना, अगर नहीं जमा वो भी दिखाएंगे, और अगर हो गया फिर तो कोई बात ही नहीं है उसमें, है ना। नावेद का भी अभी फ़ोन आया था, वो बोल रहा है कि उधर बरसात थोड़ी ज़्यादा हो रही है उधर साइड, तो वो बोल रहा था कि संजय भाई आप लोग धीरे धीरे निकलो, मैं रनिंग करके आता हूँ, आप लोग को पकड़ता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, आजा जल्दी से।
तो यही वाला फिलहाल चक्कर है, हम लोग निकल रहे हैं। और भावेश और रोहित का आना शायद कैंसिल हो गया है क्योंकि वो लोग बरसात से थोड़ा डरते हैं। तो ठीक है, यही वाला सीन अभी पहुँचते पहुँचते अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखा तो मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। उससे पहले स्टे ट्यून गाइस, साथ में बने रहें। तो हेलो गाइस, जस्ट अभी हम पहुँचे हैं, मतलब नावेद पीछे से दौड़ दौड़ गया है, देख सकते हैं किस तरह हाँफ रहा है, पूरा पसीना पसीना हो गया है गाइस। आज ईमानदारी से मैंने बहुत दौड़ा। गुड मॉर्निंग तो बोलो, हाय तो बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये मेरे सिद्धू मसाले सर और मेरा टॉर्च, एंजॉय, दौड़ लगा लूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ तो यही वाला मामला है, हम लोग जस्ट अभी पहुँचे क्योंकि बीच में बारिश आ रही थी, तो एक जगह हम लोग रुके थे, तो अभी बारिश फिर से रुक गए, तो हम लोग कंटिन्यू मतलब अपने एक्सरसाइज वाले जगह पे आ गए। आप देखो एक बार 360 व्यू, एकदम सुबह का सीन। अभी टाइम हो रहा है 5:06, ये व्यू है। ऋषिकेश दौड़ लगा रहा है, वहाँ से शादाब भी दौड़ लगा रहा है। देखो आज कुछ सीन कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा, नीला नीला आसमान है ना। ये है, नावेद ने भी दौड़ लगाना चालू कर दिया। दौड़ते रहेंगे वो लोग, हम लोग तब तक थोड़ा सा ध्यान करेंगे, थोड़ी सी योगा करेंगे, अनुलोम विलोम सबसे पहले मैं यहाँ पे आके करते रहता हूँ। तो नेक्स्ट अगर वो लोग अगर आते हैं फ्रेंड्स, और ज़्यादा लोग अगर आते हैं तो मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। उससे पहले वीडियो को फटाफट से जाके लाइक कर देना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं है फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट कर देना कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तो हाय व्यूअर्स, जैसे कि पिछली बार पुल पे पहुंच के आपको कंटिन्यू किया था, तो पुल से मैं नीचे उतरा, सोचा कि आपको ये सीन दिखा दूँ। आप देख सकते हैं मैं नदी के बिल्कुल साइड में हूँ, ठीक है। और ये वो पीछे एक मतलब ऊँचा सा बना है, वहाँ से लोग चलते हैं, देखो नदी। कल मैं जहाँ पे खड़ा हूँ अभी, यहाँ तक की नदी कल पानी से भरी हुई थी, और मैं जो रास्ते से आया हूँ वो दिख रहा है आपको, वो रास्ते से मैं नीचे आया हूँ। और हमारे लड़के लोग जहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे हैं, वो लोग ऊपर है, ठीक है। तो यही वाला है, सोचा कि आप लोग को नदी बता दूँ। ये हमारा पुराना पुलिया, उसके ऊपर वो जो है वो नया पुल है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है सुबह का, ये देख सकते हैं पानी गंदा हो चुका है, क्योंकि कल आपको मैंने जैसे कि बताया कि पानी मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे आया हुआ था, और आज भी पानी आने वाला है। ये टाइम पर यहाँ पर धूप आ जाती है, ठीक है, लेकिन फिर भी धूप नहीं आई है, और बूंदाबांदी गिर रही है धीरे धीरे। तो यही वाला है मामला। और पीछे देख सकते हैं बांस के पेड़ है, लंबे लंबे बांस के पेड़ है, एक फार्म हाउस है। तो ये सीन दिखाने के लिए आपको मैं नीचे आया था, अभी यहाँ से ऊपर जाते एक्सरसाइज कंटिन्यू करते है ना। सोचा थोड़ा सा थक गया था, तो थकने के बाद मैं सोचा थोड़ा सा आप लोगों को भी बता दूँ, है ना, फिर से एक बार देख लो। यह टूटा पुल तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करना। कई वाला अभी ऊपर जाते हैं, वहाँ से आपको अगर कुछ अच्छा दिखाने वाला रहा तो फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं, तब तक के बने रहना फ्रेंड्स। तो गाइस जैसा कि आपको बोला था, अगर कुछ अच्छा दिखता है, इंटरेस्टिंग दिखता है, तो आप लोग को मैं कंटिन्यू करूँगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पीछे सबको मैंने नदी से पत्थर लाने बोला, पत्थर ला के एक एक को बोला कि आप लोग पत्थर से डंबल मारोगे, तो मैंने उनको बोला कि पत्थर से डंबल मारो और पत्थर जैसी बॉडी बनाओ। ये आप लोगों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, पत्थर उठाओ, पत्थर जैसी बॉडी बनाओ। शादाब की फिजिक आप लोग देख सकते हैं किस तरह, मतलब साइड चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, सिक्स पैक आप लोग देख सकते हैं, मतलब किस तरह ज़बरदस्त फिजिक है लड़के की, मेहनत बहुत करता है वो, ठीक है। और नावेद अच्छे से, दोनों तरफ समान वेट रहना चाहिए, आप लोग देख सकते हैं नावेद की फिजिक धीरे धीरे बन रही है। 105 किलो से अभी उसका वजन गाइस 90 किलो अभी आ गया है, ठीक है। तो फिर चलते रहेगा वो सब, तो चलते रहेगा, वजन कम होते रहेगा। यहाँ पे कुणाल है, भावेश है,
ऋषिकेश भी है यहाँ पे कर रहे हैं सब, ऋषिकेश वो सब कर रहे हैं, कुणाल भी यहाँ पे कर रहा है, नावेद नावेद वगैरह का सब कंप्लीट हो गया है, शादाब का कंप्लीट बाकी है। तो यही वाला था गाइस, आपको यही बताना था कि मतलब किस तरह मेहनत कर रहे हैं लड़के लोग, ठीक है। तो स्टे ट्यून गाइस, नेक्स्ट अपडेट के साथ में मिलता हूँ अगर कुछ इंटरेस्टिंग आता है। तो गाइस जस्ट अभी हमारा एक्सरसाइज अभी ख़त्म हुआ है और अभी पानी बहुत स्पीड से आना चालू हो गया है। आप पानी में देख के शायद पता लगा सकते हो कि नहीं, वो दिख नहीं रहा है लेकिन पानी में हलचल हो रही है बहुत स्पीड से। तो हम अभी घर पे सीधा निकलेंगे, स्किन पूरी गीली हो गई, कैमरा पूरा गीला हो गया है, सब लोग गीला हो रहे हैं। तो अभी फटाफट से हम निकलेंगे, अगर रास्ते में अगर कुछ दिखता है तो फिर देख लेंगे, अगर कुछ दिखाने लायक रहा है तो बिल्कुल दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो चलो फटाफट निकलते हैं यार, पानी मिल लेंगे, फटाफट निकलते कनान ढाबे पे, देखते चलते हैं कि नहीं। लेकिन पानी बहुत स्पीड से गिर रहा है धीरे धीरे, इसीलिए बहुत स्पीड से हम लोग भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से निकल के सीधा फटाफट पहुँचना है, घर तरफ पहुँचना है, क्योंकि आज रविवार का दिन है, थोड़ा बिजी रहता हूँ मैं रविवार के दिन, ठीक है। तो फिर बस जस्ट आ रहे फटाफट, यही है सीन, तो मिलते हैं। तो गाइस यही मामला है, अभी बहुत स्पीड से पानी आ रहा है, सब गीले हो गए, अभी धीरे धीरे जा रहे हैं, कहीं रुकने की भी जगह नहीं है। ऐसा पेड़ है, पेड़ तो ऐसा है, बहुत बड़ा पेड़ है लेकिन पत्ते बहुत कम है, पानी आ रहा है पूरा नीचे से, ले खड़े होना भी नहीं जम रहा है। आप लोग देखो पूरा रास्ता पूरा गीला हो गया, पूरा देखो पीछे पूरा गीला। और अभी हम पटेल फार्म हाउस क्रॉस कर रहे हैं, निकल रहे जल्दी जल्दी, पानी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। इतना तो पता है कि घर जाते जाते गीले होना ही है आज, शादाब गीला हो गया है, अपना हीरो क्या नाम है भावेश भी गीला हो रहा है धीरे धीरे, है ना गाइस, प्लीज एक लाइक कर दो यार, गीले हो गए, वीडियो बना रहे यार, इतनी मेहनत कर रहे यार, लाइक किए बगैर आप गए और सब्सक्राइब किए बगैर आप गए तो आपको पाप लगेगा, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा गाइस, लगेगा ना, डिस्प्ले फूट जाएगा। हमने पहले भगवान से विनती कर ली है कि तुम्हारा उनको लाइक करना पड़ेगा। तो यही वाला है सीन, तो बस मस्ती करते करते फटाफट निकलना है यहाँ से, निकल के कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज अभी हम लोग सोचा है कि थोड़ा सा ठंडा पानी पीते हैं, ये देख सकते हैं पीछे वो ढाबा है, वो बंद है आज, पता नहीं किसी कारण से बंद है, ये तो हर रोज़ 5 बजे खुल जाता है। और इधर में एक ढाबा है वो भी बंद है, उस साइड और एक ढाबा है, वो एक ढाबा दिख रहा होगा पेट्रोल पम्प के साइड में, वो भी बंद है, पता नहीं आ रहा जैसे बंद क्यों है, कुछ होगा शायद आज। तो आज दिखाने के लिए बस इतना ही था गाइज, और अगर शाम को दोपहर में या कुछ अगर आपको दिखाने लायक होता है तो मैं बिल्कुल दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के स्टे ट्यून गाइस, वीडियो के साथ में बने रहना फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। भाई सब लोग एक बार जोर से बोल दो बाय, सुबह के लिए बाय बोलो, बोलो सुबह के लिए बाय, फिलहाल अभी फिर कल सुबह मिलेंगे नए एनर्जी के साथ में, शाम को क्योंकि आज के दिन मैं नहीं आ सकता ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। सो हेलो गाइस, क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी मैं अपने पापा के क्लिनिक में बैठा ही था कि तभी देख रहा हूँ बाहर आके कि कुछ आवाज़ें आ रही है, कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है, मतलब बादल की आवाज़ आ रही है। तब बाहर आके देखा तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, ये क्या है, ये देख रहे हो? एक बार देखो आसमान, देखो एक बार, मतलब बन रहा है माहौल बहुत ही, हाँ जहर वाला मामला बन रहा है, सुंदर बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। उधर जाके ज़्यादा दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे रोड है ना, और मेरा घर एकदम रोड के साइड में है, एकदम रोड के ऊपर ही है, तो ज़्यादा उधर जा नहीं सकता, मैं तो शहीद हो जाऊँगा। तो यही वाला मामला है, सोचा कि आपको ये वाला अपडेट दे दूँ कि जैसे कि हर रोज़ पानी आ रहा है, तो पानी आने से पहले मैंने आपको अपडेट दे दिया, अगर पानी आता है तो पानी आने के बाद में भी आपको दे दूंगा। और यही वाला सीन था गाइस, आपको बस यही दिखाना था क्योंकि ये इंटरेस्टिंग लग रहा था, शायद आप लोगों को अच्छा लगे, इस हिसाब से मैंने बनाया था। और नेक्स्ट वीडियो मतलब सॉरी नेक्स्ट अपडेट के साथ में आपसे मिलता हूँ, अगर कुछ इंटरेस्टिंग अगर आता है तो नेक्स्ट अपडेट के साथ में मिलते हैं। जैसे देख सकते हैं घर के सामने से गाड़ियाँ जा रही है, रास्ता मेरा एकदम घर के ऊपर है, और ये है अपने दवा खाने का कुछ हिसाब किताब, मतलब दवा खाने का नाम है, देख सकते हैं आप लोग। तो यही कुछ सीन है गाइस,
चलो यार, बस सामने का सीन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खतरनाक बादल बन रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है देखने में, है ना। तो बिजली भी कड़क रही है भाई साहब, बिजली भी कड़क रही है, डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो गाइस मैं अंदर जाने वाला हूँ अभी, तो आपको नेक्स्ट अपडेट दे दूँगा अगर कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग दिखता है। तब तक स्टे ट्यून गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, तो वीडियो के साथ में बने रहना, थैंक यू गाइस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हवा धुन चालू हो चुकी है बिल्कुल, पहले तो सिर्फ नीचे का थोड़ा सा था, लेकिन ये वाला मतलब पीछे साइड का थोड़ा सा उठ के पूरा बादल पूरा बन गया है, पूरा आप देख नहीं पाओगे अच्छे से क्योंकि कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं दिख रही है। तो आप पेड़ हिलना देख के समझ सकते हो, है ना, ये पीछे के पेड़ वेड़ देख लो कैसे हिल रहे, देखो कैसे हवा में हवा धुन चालू हो गई है, देखो पीछे देख रहे हो कैसे हिल रहे हो, देख रहे हो हवा धुन बहुत स्पीड से चालू हो गई है। अभी घर के अंदर चले जाऊँगा, नेक्स्ट अपडेट आपको घर के अंदर से जाके देता हूँ फिर। गाइज अंदर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, बहुत ही तगड़ी हवा चल रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पीछे देखिए पूरा एकदम पेड़ पूरे आड़े टेढ़े हो जा रहे हैं, पूरा जितनी भी रास्ता है और पूरा आसमान पूरा घिर चुका है, कैमरे में उतना अच्छा जस्टिस नहीं करेगा, ठीक है। मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत बाल भी उड़ रहे हैं मेरे, छोटे छोटे बाल फिर भी उड़ रहे हैं, समझ सकते हो कितनी मतलब स्पीड से हवा धुन चल रही है यहाँ पे, देख लो पीछे का पेड़ देख लो। अंदर रहने की इच्छा नहीं हो रही यार, ऐसा लग रहा है कि बाहर आ जाओ फिर से, मतलब बाहर का ये ठंडी ठंडी हवा जो लग रही है ना, कहीं ऐसा लग रहा है कहीं पानी गिर रहा है। तो अभी यहाँ आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आएगा ज़रूर, पानी आएगा ज़रूर, लेकिन आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो है मतलब यहाँ पे जो हिसाब किताब है, ठंडी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसलिए घर में रहने की इच्छा नहीं हो रही, पूरे दिन गर्मी गर्मी, फिर शाम को अगर ठंडी हवा मिल जाए तो इससे ज़्यादा क्या चीज़ है ना। तो यही है गाइस, स्टे ट्यून रहना थोड़ा सा, ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट अपडेट देता हूँ अगर कुछ अच्छा दिखा दो। तो गाइस जैसे कि मैं आपको लास्ट अपडेट के बारे में बताया था, पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, पानी मतलब गिर रहा है पानी, और बादल बहुत ही घने बादल आए हुए, आपको समझ में नहीं आएगा, कैमरा उतना अच्छा जस्टिस, लेकिन आप देख पा रहे हो मतलब पूरा काला देख सकते हो, नदी पहाड़ देख सकते हैं, पहाड़ के ऊपर देखिए पूरा काला पहाड़ पूरा दिख रहा है, पूरा देखो देख रहे देखो देख सकते देखे आपने। तो कुछ ऐसा सीन है, तो गाइस आज का वीडियो इतना ही रखूँगा, लाइन बिल्कुल चली गई है, लाइन बिल्कुल चली गई। अब लाइन चले जाने की वजह से मोबाइल में चार्जिंग भी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा, और रात के लिए थोड़ा सा अगर लाइन नहीं आए तो लाइट चला के लाइट भी चाहिए रात में थोड़ा सा, है ना। तो इसलिए आज के लिए गाइस इतना ही वीडियो रखूँगा, वीडियो अगर देखा होगा तो बिल्कुल लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट भी करना, शेयर भी करना मेरे दोस्तों, बिल्कुल यार देखो यार इतना अच्छा नज़ारा, इतना अच्छा नज़ारा आपको बताया, मतलब क्या कहते हैं ना उसको, ज़बरदस्त जहर वाला बिल्कुल नज़ारा दिखाया आपको, ठीक है, इसके लिए भाई लाइक जरूर करना यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में दोस्तों, तब तक के स्टे ट्यून गाइस इस चैनल के साथ भाई, प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के गुड लक भाई, अपना ख्याल रखना, ठीक है, बिल्कुल अपना ख्याल रखना, मिलते हैं।